शाम हो जाओ जी राम। ओके बी फाइट। मैं कभी कभी सोचता हूँ करें बच्चों के साथ कि भाई
एक क्वालिटी एजुकेशन उन्हें देने की कोशिश हमेशा करते रहे, पर ईश्वर ने भी हमारा पूरा साथ हमेशा दिया है, शुरुआत से ही दिया है कि हमें क्वालिटी बच्चे भी मिले, मतलब जिन्हें अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो उस पढ़ाने को सम्मान भी दे रहे हैं, वो वहां से उस चीज को उठा के। एक होता बेटा, कहते हैं कि तीन तरीके के बालक कहे गए हैं, मतलब मैं एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें तीन तरीके के विद्यार्थी बताए गए थे, जिसमें एक विद्यार्थी है कि भाई जिसे आप पढ़ा रहे हो पर उसके दिमाग में वो पूरा नहीं जा रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ कुछ जा रहा है, कुछ फ्लो हो जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ फ्लो हो जा रहा है, बार बार उसका दिमाग फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा चीजों को। दूसरा तरीके का मध्यम वर्गीय विद्यार्थी होता है। मध्यम वर्गीय विद्यार्थी वो जिसे आपने जो पढ़ाया उसने वो समझ लिया और उतना कर लिया, ठीक है, वो मध्यम वर्गीय विद्यार्थी। और एक होता है उत्कृष्ट विद्यार्थी। उत्कृष्ट विद्यार्थी इज दैट वन दैट जो आपके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर ले नॉलेज को, मतलब यहां पे टीचर खड़ा है, एक तो है कि टीचर ने जो डिलीवर किया आपने वो ले लिया, दैट इज गुड, और एक वो जो टीचर के अंदर से भी मैग्नेट है जिसके अंदर, वो टीचर के अंदर से भी नॉलेज को खींच ले अपने अंदर, वो बेस्ट है। ये मैंने एक बुक में पढ़ा और मुझे बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगी। ये हम अपने अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम ये चीज को देखते भी हैं कि भाई, और यही चीजें बेटा जो आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। आज मैं कहता हूँ, आज ये तीनों बैठे हैं, अभिषेक की फर्स्ट रैंक है, तो अभिषेक के लिए ऐसा नहीं है कि भाई इसकी फर्स्ट रैंक आई, इसने कल मुझे शाम को फोन किया, इसने कहा कि सर मेरी फर्स्ट आई। मैंने इससे कहा कि बेटा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेरी फर्स्ट आनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि अभी है, तुमने मुझे कई बार बात करते बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो दिख जाते हैं। जैसे आज से मैं करीब 2017 की बात कर रहा हूँ, कौशल जो स्टूडेंट हम पढ़ा रहे थे वहाँ पर देहरादून में BNC में, तो वो बच्चा जब हमारे पास क्लास 10th में आया था तो वो बिल्कुल अलग ही था, मतलब हमें लग रहा था ये आएगा, और हमने उसको 11th 12th में बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखा, और वो बच्चा भी मन से पढ़ता था। स्कूल में एग्जाम चलते थे तो एग्जाम की वो केयर नहीं करता था, एक भी क्लास अटेंड नहीं करता था, वो सिंगल जो बच्चा आता था क्लास में तो हम उसको अटेंटिव लेके पढ़ाते थे, और वो एक भी टेस्ट भी नहीं छोड़ता था, और हमने उसमें प्रेडिक्ट कर दिया था क्लास 11th में ही वो 500 रैंक के अंदर लेके आएगा, लेकिन वो 249 रैंक लेके आया और उत्तराखंड टॉपर IIT JEE मेंस एंड एडवांस में था वो, है ना। तो ये बोलूंगा इन बच्चों से कि मेंटर अगर अच्छा है तो रिजल्ट, और बच्चे में दम है तो रिजल्ट तो आएगा, ब्रांड कोई वैल्यू नहीं रखता। बच्चे में दम है, मेंटर अच्छा है तो रिजल्ट तो आता है ना। तो मैथ वाले सर जो है, मैंने देखा इनका जबरदस्त जो लीननेस जो रहती है, टाइम पंक्चुअल, सुबह 8 बजे भी क्लास मैंने इनका देखा, मैं वहाँ देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में है, तो सुबह 8 बजे भी 8:30 बजे भी क्लास लगाते हैं ऐसी सर्दी में, रियली जो कुछ है सब मेहनत सर की है। ठीक है मेरे बच्चों, है तो वही बात है कि कुल मिला के यार रिजल्ट ऐसा नहीं कि इन तीनों का ही है, कुछ और भी बच्चे हैं, और मैं तो यूँ कहता हूँ यार कि तुम्हारे 9th वालों के लिए जो ये स्टैंडर्ड बनते चले जा रहे हैं, तुम अगले साल, मतलब एक तो होता है कि कई जगहों पर तो NTSC में कोई एक आधा बच्चा निकल जाए तो ही बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ यार यही बच्चा हमारा NTSC में निकल गया, और हमारे यहाँ से मतलब जो बच्चे स्टैंडर्ड क्रिएट कर चुके हैं, तुम्हें अगले साल उसे बीट करना, बीट तो फर्स्ट को नहीं कर सकते तुम, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट तक पहुँचना, वो स्टैंडर्ड्स भी तो फिर बन जाते हैं हर जगह, ये स्टैंडर्ड्स हो गए अभी यहाँ पर जाते हैं, तो मैं वहाँ पर उसे कैरी करना, उस लीगेसी को आगे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें। और सीधी सी बात है बेटा, करते चलो, मुझे तो एक जब मैं पढ़ा करता था तो हमारे टीचर ने बस एक मंत्र बताया था, वही मैं सभी को बताता रहता हूँ कि वो बहुत सिंपल सी बात कहते थे कि लगे रहो, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत दो शब्द है लेकिन इसमें बहुत गहन आता है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हो सकता है कुछ बच्चों का जिनका नहीं भी हुआ, उनको भी हताश नहीं हो चीज़ों से, यार मैंने मेहनत तो करी थी और हुआ नहीं, कोई बात ही नहीं हुआ, तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन हो जाए, कुछ समय लग जाता है कई बार, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो मेहनत करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है, आज भी तो कल सक्सेस मिलती है, समय लग जाता है कई बार। ये भी तो है ना कि यार आपका घड़ा कितना भरा हुआ है, आपने पहले कितनी मेहनत की हुई है, आपका ग्रूमिंग कितना हो रखा है, दिमाग आपका कितना शार्प है, अब आप उस दिमाग को अब घिसना शुरू कर रहे हो
तो अब घिसते 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 जैसे वो शार्पनेस पे पहुंचेगा वैसे आपका रिजल्ट एकदम टर्न अप होना शुरू होता है। आपको लगे रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन बहुत बढ़िया रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। बात समझ में आ गई? तो जस्ट एक स्मॉल सा फेलिसिटेशन ये प्रेजेंट करवा लेते हैं। खुश आ जाओ। तो अभी तो तुम्हारी राह बहुत आगे तक है और इवन मेरी ब्लेसिंग है तुम तीनों के साथ अच्छे से और अच्छा जितना अच्छा करते चलोगे जितना अच्छा करते चलोगे उतना। अभी केवीवीआई है और यही है, बहुत सारे अभी है, बाकी बच्चे भी मेहनत करें अच्छा है। बस तुम देखो एक माहौल होता है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि यार बाय गॉड ग्रेस और बाय आवर हार्ड वर्क जो भी सारी चीजें मिक्स करके यहाँ पर बनी है, आपको माहौल यहाँ पर एक छोटी सी संस्था है अपनी, बहुत बड़ी नहीं है, एक छोटी सी संस्था में लेकिन आपको माहौल बहुत बड़ा मिल रहा है। जो आप एनवायरनमेंट यहाँ पर देख रहे हो दैट एनवायरनमेंट इज मतलब लाइक कितनी भी बड़ी से बड़ी आप जैसा मैंने कंपैरिजन करवा भी दिया है ना कि आप उन सभी कंपैरिजन में उस माहौल को नहीं पाओगे जितना इस छोटी सी संस्था पे आप उस माहौल को पाए। भाई अगर आपके बीच में आपको दिख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड का टॉपर नहीं बैठा है, 10th rank 15th rank ये सभी यहीं बैठे हैं और आपके साथ पढ़ रहे हैं और वही आप वो चीज फील कर पा रहे हो, ऑब्वियसली यार मतलब वही चीज आपको ऑल गुड थिंग्स कम्स इन स्मॉल पैकेज। समझ में आ रही है बात? चलो तो फिर तुम्हारा एग्जाम एग्जाम है टेस्ट वगैरह वो सब तुम टेस्ट के लिए निकल लो, जीना जीना बिठा दो और बाकी की क्लास।